नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन दोस्तों मैं हूं प्रशांत मावानी आई होप यू रोडिंग गुड आज एटीन जुलाई 2022 है काफी इंटरेस्टिंग करंट अफेयर्स हम डिस्कस करने वाले हैं एंड आई हैव सम क्वेश्चंस एज वेल फॉर यू सो आर यू रेडी गाइस आई थिंक यू ऑल आर लेट्स क्रैक ऑन दोस्तों आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो शेयर इट विथ न्यू स्टूडेंट्स विदाउट फेल थैंक यू वेरी मच प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हमारे देश में चल रहे हैं आज सुबह दस बजे ये स्टार्ट हो गए पाँच बजे ये खत्म हो जाएंगे सिक्सटीन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इलेक्ट करने के लिए ये इलेक्शन चल रहे हैं कहां-कहां पर ये इलेक्शन चल रहे हैं तो पार्लियामेंट जो हमारा संसद है वहां पर हमारे राज्यों में जो लेजिस्टिव असेंबलीज हैं वहाँ पर और टोटल इसमें फोर लोग पार्ट लेंगे इसमें हमारे देश के एम और एम आ गए अब रही बात एम और एम की तो लोकसभा के एम तो पार्ट लेंगे ही लेकिन राज्यसभा के सिर्फ इलेक्टेड एम पी पार्ट लेंगे जो प्रेजिडेंट सिलेक्ट करके एम को यहां पर अपॉइंट करते हैं तो वो लोग इसमें पार्ट नहीं लेते हैं कीप दिस थिंग इन माइंड और लजिस्लेटिव असेंबलीज़ के टोटल 4,033 मेंबर्स इस इलेक्शन में पार्ट लेंगे और काउंटिंग जो है वोट का वो होगा ट्वेंटी जुलाई को ट्वेंटी जुलाई को हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद साहब जो हैं उनकी ऑफिस खत्म हो जाने की है और कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जब करंट प्रेजिडेंट की टर्म खत्म हो जाए उससे पहले ही नए प्रेसिडेंट को हमें अपॉइंट कर लेना है तो इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर अस राइट ट्वेंटी को ही पता चल जाएगा कि हु इज द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्शन कमीशन ने 37 ऑब्जर्वर्स को अलग अलग राज्यों में यूनियन टेरिटरीज में अपॉइंट किया है राइट ताकि वो इलेक्शन के पूरी प्रोसेस को स्मूथली हैंडल कर ले आपके लिए एक प्रश्न है राइट देखिए प्रेजिडेंट के इलेक्शन की देखभाल कौन करता है ईसीआई यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाइस प्रेसिडेंट अगेन ईसीआई लोकसभा के या फिर जो जनरल इलेक्शन है तो उसकी भी ईसीआई तो फोर्थ कौन सा ऐसा इलेक्शन है जिसकी देखभाल जो है वो सीईसी यानी कि सेंट्रल इलेक्शन कमीशन या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देखभाल करता है स्टिक यो आंसर इन द कमेंट सेक्शन ये क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करना है दोस्तों हमारे देश में दो ऐसी यूनियन टेरिटरीज हैं एक है दिल्ली और पुडुचेरी ये सिर्फ दो ही ऐसी यूनियन टेरिटरीज हैं जिनकी खुद की असेंबलीज हैं तो यहाँ पर पुडुचेरी में आज सुबह दस बजे इलेक्शन जो है प्रेसिडेंट का उसकी शुरुआत हो गई और सारे अरेंजमेंट्स हैं वो हो चुके हैं वहाँ पर ठीक है आपकी स्क्रीन पर जो ये तस्वीर हैं इनका नाम है मार्गरेट अलवा और मार्गरेट अलवा जो हैं ये वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं ओपोजिशन पार्टीज़ के सिक्स अगस्त 2022 को वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होने वाला है और ये जो मिसेस अलवा है वो राज्यसभा के मेंबर रह चुके हैं चार बार एक बार लोकसभा के मेंबर रह चुके हैं उन्होंने यूनियन मिनिस्टर के तौर पर भी काम किया है उत्तराखंड के गवर्नर के तौर पर काम किया है राजस्थान के गवर्नर के तौर पर काम किया है तो उनके पास भी काफी अच्छा एक्सपीरियंस है और काफी ओपोजिशन पार्टीज का सपोर्ट भी है रही बात कोविड नाइन्टीन वैक्सीनेशन की दोस्तों तो हमने दो बिलियन डोजेस हमारे देश में दे दिए आज से डेढ़ साल पहले कोविड वैक्सीनेशन के, के रोल आउट की शुरुआत की डब्ल्यूएचओ ने भी हमारी काफ़ी प्रशंसा की है डब्ल्यूएचओ के जो रीजनल डायरेक्टर फॉर साउथ ईस्ट एशिया है डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह उन्होंने कहा कि ये एक एविडेंस है कि भारत जो है वो कोविड नाइन्टीन को या पेंडेमिक को ख़त्म करने के लिए पूरा कमिटेड है और सारे अपने एफर्ट्स जो हैं वो लगा रहा है और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने भी देश के लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट किया है और यू नो काफ़ी हमारा मॉरल बूस्ट किया है और डॉक्टर मांडविया जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने भी कहा कि हर घर दस्तक कैंपेन जो है कि घर घर जाकर टीका देने की जो बात है तो ये कैंपेन भी काफ़ी अच्छी तरीके से चल रहा है और उन्होंने कहा कि यह कंटिन्यूस एफर्ट जो हैं वो हमें मेंटेन करने हैं एक्सेलिट करने हैं अभी कुछ दिनों पहले ही सरकार ने फिफ्टीथ जुलाई से ट्वेंटी से जो 18 से लेकर 59 की रेंज के जो लोग हैं तो उनके लिए वैक्सीनेशन फ्री कर दी है और कई बार हमने एडिटोरियल एंड आर्टिकल एनालिसिस में इसकी बात भी की थी इजनट कि अगर सरकार इसको फ्री कर देगी तो फिर लोग जो हैं वो वैक्सीन बूस्टर डोज लेने के लिए जाएंगे आई थिंक सरकार ने वीडियो देखकर बात मान ली एम जस्ट केरिंग राइट इट्स अ गुड डिसीजन ऑफ कोर्स राइट कॉन्ग्रेचुलेशन टू द गवर्नमेंट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू आवर कंट्री एज वेल जस्ट इमेजिन के टू बिलियन डोजेज हमने ऑलरेडी दे दिए हैं आई स्टिल रिमेंबर जब कोविड की शुरुआत हुई और उस टाइम पर जो आर्टिकल्स एडिटोरियल्स आते थे वो पढ़ते थे काफ़ी नेगेटिव भी आते थे काफ़ी पॉजिटिव भी आते थे राइट लेकिन सरकार हमेशा पॉजिटिव रही है और राइट ये एक हिम्मत की बात है और जब से वैक्सीनेशन की शोध हो गई वैक्सीनेशन का रोल आउट स्टार्ट हुआ तब से सरकार कह रही है कि हम हर किसी को वैक्सीनेट करेंगे और देखिए आज दो बिलियन तक हम पहुंच गए इट्स ए बिग 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 थिंग आज से एक डेढ़ साल पहले का सिनारीो दो साल पहले का सिनारीो याद कीजिए तो ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी यू you नो know, ये वायरस जो है हम सबको मार देगा पृथ्वी जो है उसमें कोई इंसान ही नहीं बचेगा लाइक दैट like लेकिन ऐसा नहीं हुआ राइट हमने इसका एक तोड़ जो है वो गोद लिया बट अब ढूंढ लिया तोड़ ढूँढ लिया हमने लेकिन वी कैंट स्टॉप हेयर हम यहां पर रुक नहीं सकते हमें आगे बढ़ना है दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं दोस्तों जिनके पास आज भी प्रॉपर वैक्सीन की क्वान्टिटी नहीं है तो उन तक ये पहुंचाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू गो टू द बूथ एंड टेक अब बूस्टर डोज अगर हमारे देश के सभी लोगों को बूस्टर डोज मिल जाएगा तो फिर सरकार के पास जो बूस्टर डोज बचेंगे जो वैक्सीनेशन बचेगी वो दुनिया के दूसरे देशों को तक भी सरकार पहुंचा पाएगी तो उनकी मदद करने के लिए भी हम ये कर सकते हैं वी कैन गो टू द बूथ एंड गेट द बूस्टर डोज एन आई आई ओ नेवल इनोवेशन एंड इंडिजेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन की सेमिनार जो स्वलम्बन तो इसको आज एड्रेस करेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ये न्यू दिल्ली में होने वाली है डॉक्टर आम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में और डिफेंस सेक्टर की बात करें और आत्मनिर्भर भारत की बात करें तो डिफेंस में हम सेल्फ रिलायंट बन जाए आत्मनिर्भर बन जाए ये आत्मनिर्भर भारत का एक पी की पिलर हैं और यह की पिलर को अचीव करने के लिए आ, सरकार सारी कोशिश कर रही है आज प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो हैं कि स्प्रिंट चैलेंज को लॉन्च करने वाले हैं और इससे जो इंडियन नेवी है उसके लिए इंडीजीनियस टेक्नोलॉजी Uh, हमारे देश में बनाए जाए इंडीजीनियस टेक्नोलॉजी को बूस्ट मिले इस चीज को लेकर एक स्प्रिंट चैलेंज जो है वो प्राइम मिनिस्टर लॉन्च करेंगे एन जो है वो डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर सेवेंटी न्यू इंडीजीनियस टेक्नोलॉजीज और प्रोडक्ट्स को uh, इंडक्ट करेगा नेवी में इसको यू नो लॉन्च किया जाएगा नेवी में और एक कोलाबरेटिव प्रोजेक्ट जिसका नाम है स्प्रिंट राइट स्प्रिंट का मतलब है पोर्टिंग पोल वोल्टिंग इन आर एन डी थ्रू आईड एक्स एन आई आई ओ एंड टी डी ए सी ये फुलफॉर्म जो है याद रखना अगर आप डिफेंस लेवल की एग्जामिनेशन की तैयारी करें तो ईजिली यह प्रश्न आपको पूछा जा सकता है वॉट इज स्प्रिंट रायो यह फुलफॉर्म याद रखना आपको ठीक है पी डी एफ को डाउनलोड करने के बाद एक दो बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा एयरफोर्स डे का सेलिब्रेशन जो है वो इस साल चंडीगढ़ में होने वाला है इंडिया के जो एयर फोर्स के चीफ़ हैं एयर चीफ़ मार्शल वी आर चौधरी साहब ने यह बताया है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का ये विजन है कि सारे सेलिब्रेशन दिल्ली में नहीं अब दूसरे शहरों में भी किए जाए एट अक्टूबर को एयरफोर्स डे के तौर पर एट अक्टूबर को एयरफोर्स डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है और पहले ये हिंदन एयरबेज में सेलिब्रेट किया जाता था जो गाजियाबाद के नज़दीक हैं और उसके बाद पालम एयरबेज लेकिन अब चंडीगढ़ उसके बाद किसी और लोकेशन पर इसको सेलिब्रेट किया जाएगा फ्रांस ने चौदह हज़ार लोगों को इवेक्यूएट किया है वाइल्ड फायर्स की वजह से जंगलों में आग लगने की वजह से स्पेन क्रोएशिया ग्रीस ये सारे क्षेत्रों में भी आग लगी हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो लोगों को रेस्क्यू करने के लिए काम कर रहे हैं मेडिटेरेनियन रीजन की बात करें भूमध्य सागर और उसके इर्द गिर्द के रीजन की बात करें इसमें मोरक्को भी आ गया इटली भी आ गया स्पेन भी आ गया तो दोस्तों यहाँ पर आग जो है ये काफी लगने लगी है ये वाइल्ड फायर की बात कर रहा हूं मैं राइट जो बुश फायर कहते हैं वाइल्ड फायर कहते हैं जंगलों में जो आग है उसकी भी जो क्लाइमेट चेंज है और हीट वेव ज्यादा होने लगी हैं तो दिस आर द रीजन बिहाइंड इट अनफॉर्चुनेटली हमारे एक जवान राइट एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की हत्या हो गई है राइट टेररिस्ट ने उन पर गोली चला दी सी का एक हमारा जवान जो है ये हमारे देश के लिए शहीद हो गया बैटल कैजुअल्टी हो गया कश्मीर के पुलवामा में ये चीज़ हुई और अभी कुछ दिनों पहले हमने देखा कि एक और ए एस आई को जे एंड कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर का एक पुलिस का जो ए एस आई था तो उसकी इस प्रकार से हत्या हुई तो इस प्रकार के, के केसेस काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिल रहे हैं इंडिया और चाइना के बीच में एक सिक्सटीनथ मीटिंग हुई और इसमें भारत ने यह बताया कि जो फ्रिक्शन पॉइंट्स है वहाँ से, वह से चाइना अपने ट्रूप्स को हटा दे इसी के साथ उन्होंने ये कहा जो Uh, सबसे बड़ा स्टैंड ऑफ जहाँ पर हुआ है दिस पांग प्लेन्स में तो वहाँ पर uh, से भी uh, जो पुराना पेट्रोलिंग एरिया था वो पे, पेट्रोलिंग एरिया को खोला जाए और सिक्सटीनथ uh, राउंड हुआ टॉप मिलिट्री लीडर्स के बीच में फोर्टीन कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अनिंद्य सैन गुप्ता साहब और उनके काउंटर पार्ट के बीच में संडे को बातचीत हुई सुबह साढ़े नौ बजे से लेकर रात दस बजे तक ये मीटिंग चली और uh, भारत ने कहा है कि ये पॉइंट पेट्रोलिंग पॉइंट 15 फिर उसके अलावा जो कुग्रांग नाला है फिर चैंग चैनमो चे, सेक्टर है चारदिंग निगलुंग नाला तो जो अलग अलग जगहों पर आ, ये उन्होंने यू नो अपना कब्जा कर लिया है तो ये सारी चीज़ों में से वो हट जाए अप्रैल 2022 से पहले की जो सिचुएशन थी वो भारत चाहता है और भारत ने यह भी कहा कि ये वाला रीजन जो है यहाँ पर आप अपने फ़ाइटर जेट्स को ना उड़ाएं क्योंकि ऐसा किया था चाइना ने फिर हमने भी हमारे फाइटर जेट्स को वहाँ पर उड़ाए तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो भारत ने चाइना को बता दी है एंड दैट्स एवरीथिंग इन टूडे इज़ अ योर फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वीडियो पसंद आया हो तो शेयर इट विद अदर स्टूडेंस यू सून टिल देन एंजॉय योर स्टडीज गुड बेस यू ऑल जय हिंद